बिहार में चुनाव से पहले राजनीतिक उठापटक शुरू हो गया है। नीतीश सरकार से हटाए गए मंत्री श्याम रजक ने आज आरजेडी ज्वाइन कर लिया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने श्याम रजक को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान तेजस्वी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा। आरजेडी में शामिल होने के बाद श्याम रजक ने कहा कि मैं अपना घर में वापस आकर भावुक हो रहा हूँ। वापस आकर फिर से सामाजिक न्याय लड़ी जाएगी। मैंने जेडीयू में रहते हुए सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने की कोशिश की। लालू यादव ने हमेशा हमें सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने का पाठ पढ़ाया है। ये सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे नेता लोग उपस्थित हैं। मुझे सबसे पहले मैं आज भावुक हो रहा हूँ। अपने घर में आकर के वापस आएंगे तो सामाजिक न्याय करने के लिए हम लोगों ने राजनीति आए थे, वो राजनीति यहाँ से जाने के सामाजिक न्याय की लड़ाई वो बदल रही थी। मैं हर समय कोशिश किया सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने की, क्योंकि श्याम रजक कभी सामाजिक न्याय के लड़ाई में उनके साथ कोई समझौता नहीं। हमारे नेता लालू यादव जी ने ही हम लोग को बताने का काम किया था कि सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते रहना, क्योंकि देश के जो गरीब गुरबा है, जो पिछड़ा है, जो दलित है, सवर्ण में जो गरीब है, तमाम लोग आज अपने आप को बहुत ही बेचार हैं, लाचार हैं और उनकी स्थिति बड़ी ही नगण्यता है। बड़ी बड़ी बयान दी जाती है लेकिन जिस तरह से जिस हम तो बहुत सारे चीज आकर लेकर के आए हैं। अध्यक्ष जी का आदेश हुआ कि सभी संत में अपनी बात करना है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपके उठाकर में तो बिहार में हम कल परसों की बात करते हैं, पुचकारी थाना जो कहलगांव के पास एक मासूम दलित लड़की के साथ रेप होता है चार लोगों के द्वारा, और एसपी तक को कहा जाता है कार्रवाई नहीं होती है, थाना में एफआईआर नहीं होता है। बहुत परेशानी के बाद एफआईआर होता है लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं होती। ये एक नाम बोल रहे हैं लेकिन बिहार के कोई ऐसा मामला नहीं है जहाँ दलितों के साथ हत्या बलात्कार उसके साथ छेड़खानी नहीं होती है। विकास का वही स्थान बात करते हैं, बड़ी बड़ी बात बजट बनता है 2,00,000 करोड़ की बात करते हैं, खर्च होता है 11%, 2%, 9%, क्या हो रहा है? तो आप बात कर रहे हैं अनुसूचित जाति के लिए 1,700 करोड़ रुपया हमने दिया, खर्च हुआ सिर्फ 11%, तो ये क्या दर्शाता है? और दलितों के प्रति जो उनका जो रहा है नजरिया, चाहे वो श्याम रजक हो चाहे और भी लोग हों, आम जनता के साथ भी रहता है जो प्रति रहे। मैं जब 2 अप्रैल को दलित उत्पीड़न अत्याचार अधिनियम के सवाल पर जब विधानसभा में घेराव किया था तेजस्वी जी थे के नेता के एनडीए से वहाँ, और इन्हीं जब हम लोग सब लोग जेल में आए थे, हम 27 थे लेकिन हम लोग भी जेल में आए थे, लगा कि दलितों की बात करने वाला नहीं, ये सारी बात है। और इस लेकर के मैंने इस्तीफा की बात कही और मंत्रालय हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है, उनको कई बार मंत्री ने अरविंद लालू यादव जी ने श्रीमती राबड़ी देवी जी ने हमको मंत्री बनाया, लेकिन मेरा चेहरा आप लोग खुद को लिया करते आज उद्योग विभाग मरणासन था, चाहे खादी मॉल का सवाल हो, हैंडलूम हाट का सवाल हो, या भागलपुर में सिल्क सिटी का सवाल हो, चाहे बुनकरों का जो पावर लूम जो गया में जो विभाग से उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करने का काम, लेकिन जिस तरह से वहाँ काम किया गया कि काम को कैसे रोका जाए तो मुझे एक प्रार्थना हुई, और इस कारण ये सारे सवाल हैं इसके कारण है बड़ा हास्यास्पद लगा। रात को उन्होंने आ गया मीडिया के द्वारा कि हमको बर्खास्त किया गया, जो जनता दल यू का संविधान है, संविधान हमारे पास मौजूद है, संविधान है ये जनता दल यू, संविधान में
धारा 19 के अंतर्गत है कि आप कैसे निकाल सकते हैं, किस पर कार्रवाई कर सकते हैं। मैं राष्ट्रीय परिषद का सदस्य और नीतीश कुमार जी का नामांकन जब हो रहा था राष्ट्रीय अध्यक्ष का, तो मैं उसके प्रस्तावक था। जब मुझको ही जब निकाल दिए और मैं राष्ट्रीय परिषद का सदस्य हूँ और मुझको आपने निकाल दिया और आपने बिना 10 मिनट में सब पूछोगे, तो जो राष्ट्रीय जनता दल के अपने संविधान की रक्षा न कर सकता हो उससे क्या उम्मीद की जा सकती है। राज्य की संविधान, राज्य की रक्षा और भारत का संविधान को कैसे बचाया जा सकता है। NRC आप देख रहे हैं किस तरह से जो दलित है, पिछड़ा है, मुस्लिम है, उनके साथ अत्याचार का काम हो रहा है। ये सारे सवाल हैं और ये सवाल मुझे खुशी है कि तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में ये लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे और जनता की आकांक्षाओं को हम सतह पहुँचाएंगे। आपको बता दें कि श्याम रजक एक समय में RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के करीबी नेताओं में गिने जाते थे। बिहार में राबड़ी देवी सरकार में श्याम रजक मंत्री भी बनाए गए थे। ऐसा बताया जा रहा है कि JDU में श्याम रजक अपनी अनदेखी से काफी उपेक्षित महसूस कर रहे थे। न्यूज डेस्क।